चांद पर झंडा गाड़ने के बाद भारत चला अब सूर्य की ओर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने बताया कि 2 सितंबर 2023 को यानी कल के दिन दोपहर 11:50 से श्रीहरिकोटा से जो भारत है वो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। इसरो के अनुसार ये अंतरिक्ष में सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। स्पेसक्राफ्ट को सूरज पृथ्वी प्रणाली के लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में भेजा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट के चारों ओर प्रभा मंडल के कक्ष में एक उपग्रह को रखने का प्रमुख लाभ ये होता है कि वो बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकता है। इससे वास्तविक समय में सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा।